चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, साउंड वगैरह ठीक है, आवाज वगैरह ठीक है, आप सभी लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जरा देखिएगा आप सभी लोग। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अच्छा, आई एम प्रेजेंट, आप सभी लोग प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कौन कौन है भाई क्लास में, आवाज ठीक है? अच्छा अच्छा ठंड है, हाँ थोड़ा ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। सुष्मिता, छाया सिंह, आंचल, प्रियंका आज दिखाई पड़ रही, प्रियंका मिश्रा मतलब पीएम साहिबा है ना अच्छी बात है। रतन दिखाई पड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए रतन, आपका बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, बहुत पुराने छात्र हैं आप। संतोष हैं, वर्मा जी हैं, राधिका, सोनम, देवव्रत, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रदीप राठौर साहब हैं, वसीम हैं, सोनम हैं, नीरज भी आज की क्लास में हैं। जल्दी से आप सभी लोग क्या कीजिए कि क्लास को शेयर कर लीजिए, क्लास को शेयर कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि पहली क्लास है आधुनिक भारत की और प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के मुख्यतया हम लोग अध्ययन करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट कमीशन का एग्जाम हो। स्टेट कमीशन वाले जो छात्र हैं वो घबराएं ना, बिल्कुल ना घबराएं, उनके लिए भी ये क्लास है, लेकिन मुख्यतया इसमें जो ध्यान रखा जाएगा वो यूपीएससी को ध्यान में रखा जाएगा। और ये क्लास आप सभी लोगों के बीच में अब निरंतर होने वाली है, इसमें ये भी नहीं है कि आप लोगों के बीच में अब क्लास नहीं होगी, तो निरंतर क्लास होगी। और आप सभी लोग जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिए कि शेयर कर लीजिए, लेकिन क्लास को ना, जिससे सबको पता चल जाए, है ना। जल्दी से रतन शेयर कर लो आप सभी लोग क्लास को, जितने भी लोग क्लास में हैं शेयर कर लें। वसीम हैं, नीरज, हाँ वॉइस ठीक है ना, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात, वॉइस अच्छी है, बहुत अच्छी बात। तो देखो आधुनिक भारत की आप लोगों के बीच में ये पहली क्लास है, और आधुनिक भारत का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया से है। इसमें हम सभी लोग सबसे पहले जो विदेशी कंपनियां हैं, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनके आगमन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन क्यों हुआ। इसमें बीच बीच में कुछ प्रश्न भी आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे, और इसके अलावा मुख्य परीक्षा का तो इसमें खैर कोई अभी मामला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि इसी प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ने से कैसे हम लोग मुख्य परीक्षा का भी अध्ययन कर लेते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता, ये भी हम लोग इसी में देखेंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग, क्लास की शुरुआत की जाए, बिल्कुल तैयार हैं। कुछ कॉपी कलम वगैरह रखते हैं अपने पास में, कॉपी कलम वगैरह रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ अपना अपने मन से लिखते जाइएगा, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको आप सभी लोग लिखते जाइएगा। तमन्ना दिखाई पड़ रही है, एक बादल जी दिखाई पड़ रहे हैं, शीला हैं, छाया हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो विदेशी कंपनियां हैं जब उनका भारत आगमन होता है तो आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या ये होती है कि हम लोग चाहे वो किताब हो चाहे वो क्लास हो, कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो बिल्कुल अनियोजित होती है, सिस्टमेटिक कह लीजिए कि नहीं होती है। जब कोई चीज सिस्टमेटिक वे में हमारे सामने नहीं आती तो फिर दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि भोजन का समय हो रहा है और भोजन में सबसे पहले आपको क्या दे दिया जाए, दाल चावल दे दिया जाए कि दाल चावल खाओ, और उसके बाद में क्या किया जाए कि उसके बाद में फिर रोटी सब्जी आपको परोसा जाए, है ना। तो ये क्या हो गया कि ये थोड़ा सा अच्छा तो है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर हम लोग विदेशी कंपनियों के भारत आगमन में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, उसकी टाइटल क्या होगी, उसकी स्टोरी क्या होगी, उसकी स्टोरी किन किन टाइटल के तहत इर्द गिर्द घूमेगी, ये सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पुर्तगाली कंपनियों के इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग यह भी जान लेंगे कि आखिर ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनका भारत आगमन क्यों हुआ, क्यों आई विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं।
तो जैसे सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां का मतलब क्या है? यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। आप लोग भी हेडिंग लिख सकते हैं हमारे साथ साथ में, अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो। ये क्लास बिल्कुल अलग तरीके से होगी, अभी तक की जो क्लास है उसको आप लोग भूल जाइए, है ना। ये बिल्कुल अलग क्लास होगी, डीपली इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आपका कहीं का भी कोई क्वेश्चन, चाहे आप नेट का यूजीसी का एग्जाम दें या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम दें, स्टेट कमीशन में किसी भी कमीशन, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, किसी का भी एग्जाम देंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी बिल्कुल। लेकिन अब इसमें एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सचेत अवस्था में आप सभी लोगों को रहना है, कंसस अवस्था में रहना है कि भाई अब मेहनत कर रहे हैं और समय दे रहे हैं तो कम से कम चीजें तैयार तो हो जाए ना, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वो जो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की बात है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जब ये भारत आती हैं तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि क्यों यूरोपीय कंपनियां भारत आई, यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे लगा दीजिए कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, या यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या कारण रहा है। जैसे कल की जो क्लास थी वो एनसीईआरटी की क्लास थी, कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका अध्ययन हम लोगों ने किया, और कल जब शाम को क्लास होगी तो जो एनसीईआरटी हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका दूसरा जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री और एनसीईआरटी की क्लास आपको लगभग एक एक दिन के गैप पर मिलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि क्लास निरंतर आप सभी लोगों के बीच में चलती रहेगी। तो अब बात यह है कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये भारत क्यों आई, तो एक मूल बात यह है, आधारभूत बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में ये चलता जरूर होगा कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, हम पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। इसको लेकर कई बातें आप लोगों के मन में भी होंगी। वैसे ही जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं तो उनके मन में भी कई बातें होंगी, तो निश्चित रूप से जब कई बातें होंगी तो वो बातें कौन कौन सी हैं जिनके तहत प्रभावित होकर यूरोपीय कंपनियां भारत आई, तो मूलतः सबसे पहले हम लोग इस बात को देखते हैं। तो अगर यहां पे देखा जाए तो आखिर यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें कई कारण आपको दिखाई पड़ेंगे। कई कारण क्या दिखाई पड़ता है इसको हम लोग देखते हैं। तो कई कारणों में जो पहला कारण है वह है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब कहां के पुनर्जागरण से है? यूरोपीय पुनर्जागरण से है, भारतीय पुनर्जागरण से कोई तात्पर्य नहीं है। तो पुनर्जागरण को देखिए आप सभी लोग, पुनर्जागरण ये कहां का पुनर्जागरण? यूरोप में आया पुनर्जागरण। इससे कैसे प्रभावित हो गई यूरोपीय कंपनियां और प्रभावित होकर कैसे भारत आई, इसको हम लोग व्यापक रूप से देखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण अगर देखा जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति या भारत की जलवायु है, ऐसा कह लीजिए आप सभी लोग, क्या है? भारत की जलवायु है, दूसरा मूल कारण है। अब देखो ये जो कारण है ना, ये स्टेटमेंट के रूप में आपको सीधे सीधे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में मिल जाएंगे, और स्टेटमेंट में ये दिया रहेगा कि वास्तव में कौन सा कारण यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं, और शॉर्टकट में अगर नोट्स आप बना रहे हो तो इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं, और व्याख्या हम करेंगे क्लास में, तो व्याख्या को समझते रहिए, है ना, व्याख्या की महत्ता को आप लोग समझते रहिएगा। लेकिन दो कारण आपके सामने है, तीसरा भी कारण है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है भारत की आर्थिक संपदा। भारत की आर्थिक संपदा, भारत की आर्थिक संपदा से भी प्रभावित होके या आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होके जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये भारत आती हैं। तो तीन कारण आप लोगों के बीच में बड़े ही महत्वपूर्ण मिले, बड़े ही आधारभूत मिले। इसके अलावा कुछ जो चौथा कारण है उसको आप लोग देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी
यात्रियों के विवरण से भी प्रभावित हुए, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी यूरोपीय कंपनियां प्रभावित हुई और इसकी वजह से भी भारत आई। तो चार कारण आप लोगों के बीच में हो चुके हैं। एक कारण और है जो इसी पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग पांचवें कारण के रूप में देख लेते हैं। बड़ा चर्चित कारण है, बहुत बड़े होंगे आप सभी लोग, कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन। तो ये अगर देखा जाए तो ये पांच मुख्य यानी आधारभूत कारण हैं जिनसे प्रभावित होकर यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। इसको आप सभी लोग समझ लीजिए। साउंड वगैरह ठीक है ना, आवाज वगैरह ठीक है? नहीं तो पता चले कि आवाज ही नहीं आ रही है। क्यों विवेकानंद बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हैं, देवव्रत दिखाई पड़ रहे हैं, हेतल आवाज आ रही है ना, सबको आवाज आ रही है? सुधीर चतुर्वेदी साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, मांडवी शुक्ला ने बताया, राधिका ने बताया, देवव्रत, अच्छा आवाज है ना, हाँ तब ठीक है। अगर मान लीजिए आवाज गड़बड़ होती है तो कॉल वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास नहीं रहता है ना, रात का समय है, ठंड का समय है, लेकिन पढ़ा जाएगा आज दो तीन घंटे, ठीक है? तैयार रहेंगे ना? कुछ लोग अभी क्लास में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं की ना, शेयर कर लीजिए जल्दी से क्लास को, जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिए। हाँ कुछ लोग जो फेमस लोग हैं क्लास में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या तो हो सकता है वो हो चैट ना कर रहे हो, लेकिन अंकित तो आ गए हैं। अंकित शेयर नहीं किया क्लास को ना, जल्दी से शेयर कर लीजिए और चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई फटाफट। एक कारण और है इसमें हम लोग देख लेते हैं, यूरोप में प्रचलित वाणिज्यवादी नीति, वाणिज्यवादी नीति, यूरोप में प्रचलित वाणिज्यवादी नीति। तो ये छह मुख्य कारण हैं, इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी। अब इसमें सबसे जो पहली बात है उसको समझिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला जो आधार है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का, वो यूरोप में आया रेनेसा यानी पुनर्जागरण है। और इसी कारण से मिला जुला जो दूसरा कारण है वो कुस्तुनतुनिया का पतन है। इन दोनों कारणों को हम लोग एक साथ में समझेंगे, थोड़ा कंसेस हो जाइएगा क्लास में, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला, इतना आसान नहीं है। अब इन कारणों को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि आखिर ये आधुनिक भारत में जो यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं व्यापार करने के लिए, तो क्या इससे पूर्व भारत का व्यापार यूरोप महाद्वीप के साथ में नहीं था? इस बात को हमें समझ लेना है, क्योंकि यहां पे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं और व्यापार करने के मकसद से आ रही हैं, यानी धन कमाने के मकसद से वो भारत आ रही हैं। तो क्या इसके पूर्व भारत का यूरोप से व्यापार नहीं था? तो आप लोग क्या कहेंगे, जरा गौर कीजिए कि क्या इसके पूर्व भारत का यूरोप से व्यापार नहीं था? क्या मध्यकालीन भारत में यूरोप से व्यापार नहीं था? क्या प्राचीन भारत में यूरोप का भारत से व्यापार नहीं था, या भारत का यूरोप से व्यापार नहीं था? तो आप कह सकते हैं कि व्यापार था। तो कैसे व्यापार था और व्यापार में प्रॉब्लम्स क्या आई, व्यापार में समस्या क्या आई? तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और उसका विकास जो हुआ था वो इराक में टिग्रिस यानी दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। तो आप लोग देखते होंगे कि आपके यहां की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इस सिंधु सभ्यता का व्यापार यूरोप से तो ऐसा नहीं मिलता कि यूरोप से था, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि विश्व के कई देशों के साथ था, यानी मिस्र के साथ भी था और इराक के साथ भी इसका व्यापार था, चीन के साथ भी इस सिंधु सभ्यता का व्यापार था। तो सिंधु सभ्यता के बाद में तो वैदिक युगीन संस्कृति आती है, और वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रामीण संस्कृति है, तो इसका व्यापार बहुत फला फूला नहीं था। इसमें जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं वो सांस्कृतिक इतिहास ही पढ़ते हैं।
इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि छठवीं शताब्दी बीसी का समय काल आया, और बीसी का जो समय काल है भारत में धार्मिक क्रांति का समय काल है। इसी समय भारत में कई संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, ये सबसे पॉपुलर रहे, सबसे प्रसिद्ध रहे। लेकिन इसके बाद में आप लोग देखते हैं कि महाजनपद युग आया, जिसमें हम लोग 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हैं, जैसे अंग, अवंती, अस्मक है, काशी, कोसल, कुरु, पंचाल है, मत्स्य, मल, इसके अलावा सूरसेन, गंधार, अन्य जनपद हैं इसमें। तो ये जो जनपद हैं, इन जनपदों से ही मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध का उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य का इतिहास आया। तो जो मौर्य साम्राज्य है भारत का, समझिए, थोड़ा सा बड़े बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत डीप में आपको लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आपको भागना ना पड़े, है ना, इधर उधर बिल्कुल ना भागना पड़े। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भारत का मौर्य साम्राज्य है, पहला साम्राज्य है, वो अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में है। अखिल भारतीय साम्राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक मिलती थी, यानी अफगानिस्तान तक थी। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो मौर्य साम्राज्य का व्यापार था किसके साथ में था, यूरोप महाद्वीप के साथ में था। और यूरोप महाद्वीप में आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान का जो इटली है इसके साथ मुख्य रूप से व्यापार था। तो वर्तमान का जो इटली है, इटली में ही अगर आप लोग देखेंगे तो प्राचीन काल में, जैसे हमारे यहां मौर्य साम्राज्य है, एक साम्राज्यवादी साम्राज्य है, वैसे ही इटली में आपको रोमन साम्राज्य मिलेगा, रोमन अंपायर मिलेगा, वो भी साम्राज्यवादी साम्राज्य है। उसने भी कई क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विकास किया था, हम लोगों ने भी कई क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विकास किया था। तो मौर्य साम्राज्य का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ में था, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब मौर्य साम्राज्य का व्यापार यूरोपीय महाद्वीपों के साथ में था, यानी यूरोपीय महाद्वीप के देशों के साथ में था। अब ये व्यापार कैसे होता था, ये आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो व्यापार होता था, ऐसा माना गया कि स्थलीय मार्ग से भी होता था और कुछ समुद्री मार्ग से भी होता था। लेकिन समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ही दुष्कर था, तो स्थलीय मार्ग से कुछ ज्यादा व्यापार था। लेकिन जब ये व्यापार था तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, प्रॉब्लम्स ये आई कि जब हम लोग गुप्त काल के इतिहास को पढ़ते हैं और गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल के इतिहास को पढ़ते हैं, तो यूरोप का जो इटली नामक देश है वहां पे जो रोमन साम्राज्य है वो दो भागों में बंट गया। जब दो भागों में बंट गया तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसका कुछ ज्यादा क्षेत्रों में विकास हुआ, और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है इसके बारे में कहा गया कि इसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो जब ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया तो गुप्तोत्तर काल में भारत का व्यापार जो रोमन एम्पायर से था वो कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था या भारत का जो आयात निर्यात था बाहरी देशों से, वह नकारात्मक रूप से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। इस बात को समझिए। इसके बाद में मध्यकालीन भारत में क्या मामला आया, मध्यकालीन भारत में आप लोग जानते हैं कि तुर्कों का युग भारत में आया, सबसे पहले गुलाम वंश का शासन आया, उसके बाद में आप लोग जानते हैं खिलजी, फिर तुगलक, फिर उसके बाद में सैयद और लोदी वंश आया, फिर मुगल राजवंश भारत में आया। और मुगल राजवंश का और भारत का इस समय का व्यापार यूरोपीय महाद्वीप के साथ था। तो प्रॉब्लम्स क्या आई, प्रॉब्लम्स ये आई कि समय था 1453 ईस्वी का, और 1453 ईस्वी में जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया का, अब थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से देखिएगा, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के माध्यम से देखिएगा आप सभी लोग, तो ज्यादा समझ में आप लोगों के आएगा। अब यहां पे थोड़ा देखिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप लोग देखिए गौर से, हमें देखना है भारत को और हमें देखना है इसमें यूरोप को। हमें किसको देखना है, भारत को और यूरोप को देखना है। तो भारत और यूरोप पे आप लोग टारगेट कीजिएगा मुख्य रूप से। जरा गौर कीजिए कि इस मैप के माध्यम से जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है, और जो यूरोपीय महाद्वीप है उसकी स्थिति कहां पर दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है भारत, ये देखिए, ये आपका भारत यानी इंडिया दिखाई पड़ रहा है।
इसके अलावा ये यूरोपीय महाद्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है और ये नीचे आपको अफ्रीकी महाद्वीप दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा माना गया कि ये जो यूरोपीय महाद्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है, इस यूरोपीय महाद्वीप में इसी अफ्रीका से लगा हुआ यहां पे एक क्षेत्र आपको मिलेगा। इसका नाम है क्या? इसका नाम है इटली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इटली। और इटली में ही क्या था? रोमन साम्राज्य था। इटली में ही रोमन साम्राज्य था और यही जो रोमन साम्राज्य है ये प्राचीन काल में दो भागों में विभाजित हो गया। तो ये तो हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसका विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ मध्य एशिया की तरफ और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों पर रोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे एक साम्राज्य आपको मिलेगा जिसको हम लोग सल्जुक साम्राज्य के नाम से जानते हैं। सल्जुक साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो ये जो सल्जुक साम्राज्य है इसे उस्मानिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो उस्मानिया तुर्क हैं, उस्मानिया तुर्क या जो सल्जुक तुर्क हैं, इन लोगों ने वर्ष 1453 ईस्वी में कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? 1453 ईस्वी में इस कुस्तुनतुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर सल्जुक तुर्कों यानी उस्मानिया तुर्कों ने कब्जा कर लिया तो यहां से इस कुस्तुनतुनिया से जो रोमन साम्राज्य या यूरोप के जितने भी लोग यहां पर विद्यमान हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित लोग हों, सभी लोगों को इन सल्जुक तुर्कों ने भगा दिया। इनको इस सांस्कृतिक उत्थान से कोई मतलब नहीं था। जब इनको इस सांस्कृतिक उत्थान से कोई मतलब नहीं था और इनको भगा दिया तो भगाने के बाद में जो यूरोप का व्यापार भारत से होता था उसको इन सल्जुक तुर्कों ने क्या कर दिया? इन सल्जुक तुर्कों ने बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि यहां पे एक बात और समझिए, इसका मतलब इसके पूर्व भारत का व्यापार यूरोपीय महाद्वीप के साथ में था और यूरोपीय महाद्वीप के साथ में ये जो व्यापार था इसके दो माध्यम थे। कितने माध्यम थे? दो माध्यम थे। अब दो माध्यमों में एक माध्यम जो आपको दिखाई पड़ेगा वह स्थल मार्ग दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? स्थल मार्ग दिखाई पड़ेगा। और जो दूसरा माध्यम है वह समुद्री है। ये दोनों माध्यम से भारत का व्यापार यूरोपीय महाद्वीप के साथ में था। जरा गौर कीजिए आप सभी लोग कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है एक स्थल मार्ग और एक समुद्री मार्ग, ये किस रास्ते से होकर आता है? तो एक तो स्थलीय मार्ग है और स्थलीय मार्ग से भारत का जो यूरोप का व्यापार था वह अत्यंत सरल था। इसी मार्ग से होकर बहुत सारे व्यापारी यूरोप से भारत आते थे और भारत के कई प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी करते थे और यूरोप में ले जाके उनको बेचते थे। और एक जो दूसरा मार्ग था वह समुद्री मार्ग था। तो जो स्थलीय मार्ग है यूरोप से भारत आने वाला वह किस तरीके से है, कहां से होकर गुजरता है, इसको हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो यहां पे ये जो यूरोपीय महाद्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस यूरोपीय महाद्वीप में एक प्रदेश आपको दिखाई पड़ेगा यहां पे। इस प्रदेश को हम लोग विश्व के इतिहास में बाल्कन प्रदेश के नाम से जानते हैं। जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे और विश्व के इतिहास में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारक के रूप में यह बाल्कन प्रदेश है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध में भी कारक के रूप में है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में कारण यहां पे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। तो ये जो बाल्कन प्रदेश है, इस बाल्कन प्रदेश में कई प्रदेश आते हैं, जैसे सर्बिया है, जैसे रोमानिया है, जैसे स्लोवानिया है ना, जैसे बुल्गारिया है, ये सभी प्रदेश बाल्कन प्रदेशों में आते हैं, बाल्कन कंट्रीज में आते हैं। तो इन्हीं बाल्कन कंट्रीज से होते हुए ये फारस खाड़ी के ऊपर ऊपर ऐसे ही स्थलीय मार्ग से हम लोग पहुंचते थे। कहां? इराक पहुंचे, इराक के बाद में ये ईरान पहुंचे और फिर यहां पे अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से, ये देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान से यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां पे कई पास आपको मिलेंगे, कई दर्रे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको गोमल दर्रा मिलेगा जो अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी गोमल दर्रे से अगर देखा जाए तो अधिकतर जितने भी विदेशी आक्रांता हैं ये भारत में आए, जैसे महमूद गजनवी, इसके अलावा भी अन्य जो विदेशी आक्रांता, ये सब यहीं से मुख्यतः आए थे, इसी से गुजरते हुए भारत आए थे।
तो इन्हीं से ये लोग भारत आए, और भारत जब पहुंचे तो भारत में कई प्रकार का इन लोगों ने व्यापार किया। लेकिन जो दूसरा व्यापार था, जो समुद्री व्यापार था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो समुद्री व्यापार है, यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखो अफ्रीका और यूरोप के बीच में रेड सी यानी लाल सागर आपको दिखाई पड़ेगा। लाल सागर से यहां पे पहुंचेंगे तो आपको अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी मिलेगी, और फारस की खाड़ी होते हुए हम लोग, ये यूरोपीय लोग कहां पहुंच जा रहे हैं, ये अरब सागर पहुंच जा रहे हैं। तो यानी कि एक स्थलीय मार्ग था और दूसरा समुद्री मार्ग था। लेकिन मध्यकालीन भारत में भी या प्राचीन भारत में अधिकतर जिस मार्ग का प्रयोग करके यूरोपीय भारत आए वो स्थलीय मार्ग ही था, और स्थलीय मार्ग बाल्कन प्रदेश से होते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान और गोमल दर्रे या अन्य कई दर्रों से होकर भारत आता था। और दूसरा जो मार्ग था वह लाल सागर से होते हुए, फारस खाड़ी से होते हुए यह अरब सागर पहुंचता था। और ये जो मार्ग था ये अत्यंत दुर्लभ था, अत्यंत दुष्कर था। क्यों दुर्लभ था, क्यों दुष्कर था, जरा गौर कीजिए इस पे। तो इसलिए दुष्कर था क्योंकि जैसे इस समय ठंड का मौसम है कि नहीं है? नहीं है, मौसम ठंड का नहीं है। क्यों? देवव्रत। बोलिए। है ठंड का मौसम है ना, तो ठंड का मौसम है तो आप लोग देखते होंगे कि कोहरा होता होगा। और जैसे इस समय आप निकल जाइए, जैसे मुख्यतया लोग यहाँ पे पूर्वांचल के भी होंगे, हालांकि कई स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, तो निरंतर क्लास में आप सभी लोग बने रहिए। तो इस समय जैसे किसी एक्सप्रेस वे पे आप लोग चलते हैं तो मुख्यतया ये देखा जाता है भारत में या विदेशों में भी देखा जाएगा कि जितने भी एक्सप्रेस वे बने हुए हैं वो किसी नदी के किनारे किनारे ही बने हुए हैं। और कई एक्सप्रेस वे जैसे भारत में जो आगरा एक्सप्रेस वे है, भाई ये तो काफी मतलब आगे बढ़ गया है, और कई संसाधन इसके आसपास में या कई शहरों का भी विकास हो चुका है, कई क्षेत्रों का भी विकास हो चुका है। लेकिन अभी जो नवीन हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनके बारे में देखा ये गया कि बड़ी दूर दूर पे वहां पे कोई साधन इस समय उपलब्ध ही नहीं है, और नदी के किनारे हैं और ठंड का समय, तो जैसे व्यक्ति निकलता है तो बिल्कुल साफ मैदान आपको मिलेगा और कोहरे से बिल्कुल घिरा हुआ रहेगा। तो जरा सोचो कि वो तो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, तब वहां पे कोहरा है, और मान लीजिए कि कोई सागर है, कोई समुद्री क्षेत्र है, तो उसके आसपास में कोहरा कितना घना होगा। तो और एक खास बात ये भी है कि इस समय अगर देखा जाए तो आधुनिक विश्व में कोई ऐसे यंत्र नहीं थे जो कोहरे, जो घना कोहरा है उसको छाट दे और निकल जाए। भाई कोई भी जहाज हो, कोई भी ऐसा ऐसा यंत्र नहीं है कि जो विभिन्न प्रकार की दिशाओं को बता दे और कहे कि हाँ भाई सही रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। तो बड़ा ही दुर्लभ था इस मार्ग का प्रयोग, मुश्किल से भी या जल्दी से भी कोई नहीं करता था, तो अधिकतर स्थलीय मार्ग का प्रयोग करते थे। तो अभी हमने आपको बताया कि यहां पे अब दिक्कत ये आई कि ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, यहीं पे आपको एक नवीन क्षेत्र मिलेगा वर्तमान में, जिसको हम लोग तुर्की के नाम से जानते हैं, और तुर्की का जो मुख्य प्रदेश है उसको हम लोग कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया के बारे में कहा गया कि 1453 ईस्वी में इस पर सलजुक तुर्कों ने कब्जा कर लिया। जब इस पर सल्जुक तुर्कों ने कब्जा कर लिया तो यहां का जो रोमन एम्पायर था, प्राचीन रोमन साम्राज्य था, और इसके जो लोग थे यानी जो यूरोपीय नागरिक थे, इन सभी लोगों को भगा दिया। जब इन सभी लोगों को भगा दिया तो ये भागते हुए सबसे पहले कहां पहुंचे, इटली पहुंचे। और इटली जब पहुंचे तो इटली में जो यूरोपीय जनमानस है और इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय प्रदेश है, इन प्रदेशों में जा जाकर इन क्षेत्रों के लोगों को इन्होंने जगाया और यह कहा कि जो सल्जुक तुर्क हैं या उस्मानिया तुर्क हैं, उठो जागो जल्दी से, नहीं तो आपके ऊपर भी ये अटैक कर देंगे और आपका जो साम्राज्य है और आपका जो क्षेत्र है उस पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। क्योंकि ये जो सल्जुक तुर्क है, ऐसा थोड़ा ना है कि केवल कुस्तुनतुनिया पर ही कब्जा कर रहे हैं, ये मध्य एशिया के कई क्षेत्रों पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। तो ये साम्राज्यवादी लोग हैं और इनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, यानी सांस्कृतिक उत्थान से कोई मतलब नहीं है, तो नहीं जागोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो
तो जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो यहाँ के जो सांस्कृतिक लोग थे यानी विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवी लोग थे ये यूरोप पहुंचे और यूरोपीय जनमानस को इन लोगों ने जगाया। जब यूरोपीय जनमानस को इन लोगों ने जगाया तो यूरोपीय जनमानस अब जागे और जब जागे तो इन लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो इन इन उस्मानिया तुर्कों ने या सलजुक तुर्कों ने जो यूरोपीय महाद्वीप का भारत के साथ में जो व्यापार था इसको जो बंद किया है इसको पुनः शुरू किया जाए। और व्यापार कैसे शुरू किया जाएगा क्योंकि इस स्थलीय मार्ग पर तो ये उस्मानिया जो तुर्क हैं यानी सलजुक तुर्क हैं ये कब्जा करके बैठे हुए हैं और इस मार्ग से यह यूरोप से भारत जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। तो इस समय जो यूरोपीय लोग हैं खास करके जो बुद्धिजीवी लोग हैं थोड़ा पढ़ने लिखने लगे। जब पढ़ने लिखने लगे तो यूरोप नामक जो प्रदेश है इस प्रदेश के कई क्षेत्रों में भौगोलिक युग का आविष्कार शुरू हो गया। भौगोलिक युग का या भौगोलिक खोजों का युग शुरू हो गया। अब देखो यहां पे इस शब्द को समझना है। यहां पे भौगोलिक खोजों का मतलब क्या है जरा गौर कीजिए आप सभी लोग कि यहां पे भौगोलिक खोजों का मतलब क्या है। तो यहां पर भौगोलिक खोजों से मतलब किससे है? भौगोलिक खोजों से मुख्यतया मतलब विभिन्न देशों के समुद्री मार्गों की खोज करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अन्य प्रदेश हो, चाहे वो अफ्रीका का कोई देश हो, इन प्रदेशों में जो यूरोपीय लोग हैं वो जाएंगे लेकिन अब स्थलीय नहीं, अब समुद्री रास्ते की खोज करेंगे। तो भौगोलिक युग का जब शुरुआत हो गई तो इस भौगोलिक युग के खोज की जो शुरुआत की मुख्यतया इसमें कई देश यूरोप के आगे रहे, जैसे इटली आगे रहा, इटली के अलावा जो और आगे रहा वो पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल यहां पे आपको मिलेगा, एक छोटा सा प्रदेश यहां पे आपको यूरोपीय महाद्वीप में मिलेगा पुर्तगाल। और इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बिल्कुल बगल में और सागरीय क्षेत्र में स्थित है पुर्तगाल। इसमें पुर्तगाल आगे रहा और इसमें यहां पे आपको मिलेगा जो इंग्लैंड, ये भी क्षेत्र आगे रहा क्योंकि ये भी तो चारों तरफ समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो ये सब देश इसमें आगे रहे। अब ऐसा माना गया कि समय था वर्ष 1487 ईस्वी का और 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था और इस पुर्तगाली नाविक का नाम था बार्थोलोमो डियाज। मैं पढ़ाऊंगा अभी ध्यान से, पहले कारण आपको पढ़ा रहा हूं, जब पुर्तगाली इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें भी व्यापक रूप से इसको पढ़ाऊंगा। तो एक था बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ने यह पुर्तगाल से यात्रा करके ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के नीचे से होता हुआ यह पहुंच गया था केप ऑफ गुड होप। इसके आगे नहीं पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप को आप लोग जानते हैं कि उत्तमासा अंतरीप के नाम से जाना जाता था, यानी यूरोप से इस उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच होते हुए दक्षिण अफ्रीका के नीचे नीचे होते हुए इस केप ऑफ गुड होप के पास में ये जो पुर्तगाली हैं ये पहुंच गए थे। और कब पहुंचे थे? 1487 ईस्वी में। और पुर्तगाली नागरिक जो था उसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। लेकिन अभी भारत नहीं पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा। और भारत का व्यापार जरूरी है यूरोपीय जनमानस के लिए क्योंकि भारत की जलवायु ऐसी है, इसलिए बिना भारत के साथ इनके व्यापार का काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो यहां पे दो कारण आप लोगों ने समझे। पहला कारण कि यूरोप में आया पुनर्जागरण और इससे प्रभावित होकर जो यूरोपीय जनमानस है वो विभिन्न प्रकार की खोजों में लग गया, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक खोजें की, विभिन्न प्रकार के यंत्रों की खोज की। इसमें एक यंत्र था जिसका नाम था दिशा सूचक यंत्र। अब इस दिशा सूचक यंत्र को ये जो यूरोपीय नाविक लोग हैं ये अपनी जहाजों पर लगाने लगे और यह दिशा सूचक यंत्र समुद्र के क्षेत्र में यह बता देता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इतना तो बता देता था। तो इससे क्या हुई? समुद्री यात्रा में आसानी हुई और इसी से प्रभावित होकर बार्थोलोमो डियाज केप ऑफ गुड होप तक आया, लेकिन भारत तक अभी कोई नहीं आया है। लेकिन अब इसके बाद में भी जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये भारत आई, तो इनके भारत आने के कुछ और कारण हैं जो हम लोगों ने यहां पे लिखे हुए हैं। इसको देखिए, जैसे भारत की जलवायु, ये तो पुनर्जागरण हो गया और ये आपका मामला हो गया कुस्तुनतुनिया का पतन, दोनों एक साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसे प्रभावित करती है यूरोपीय कंपनियों को भारत आने के लिए, इसको हम लोगों को देखना है। तो अब जरा गौर कीजिए और इसको देखिए आप सभी लोग। क्यों, एस पी राठौर साहब हैं क्या क्लास में? मिस्टर राठौर साहब कहां चले गए थे भाई? देखिए कब से हम आपको बुला रहे थे। हाँ, वास्को डिगामा को पढ़ेंगे,
वास्को डिगामा को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम रीजन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग रीजन पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी अभी पीएम साहिबा उसको हम लोग देखेंगे। पीएम मतलब प्रियंका मिश्रा। अभी अभी उसमें गुजरात के नागरिक अब्दुल मानित को हम लोग देखेंगे, है ना। अभी थोड़ा समय आने पे उसको देखा जाएगा, है ना। राजीव गौतम, पीके यादव, प्रथा, आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, आप भी हैं सर जी, नमस्ते। क्या नाम है? घायल, ऐसा कुछ नाम है ना, अच्छी बात है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। 9 वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक। तो अभी आएगा वो भी आएगा, अभी वो भी आएगा। हाँ, क्लास को आप सभी लोग शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को। चैनल को लाइक क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि निरंतर क्लास होगी, और निरंतर जब क्लास होगी तो वो क्लास आपको मिलती रहेगी, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नए लोग जुड़ रहे हैं। अब देखो, बड़े आराम से मुझे ये लग रहा है कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब दूसरा कारण क्या, तीसरा कारण आपके सामने है, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु यानी भारत की क्लाइमेट कैसे यूरोपीय जनमानस को प्रभावित करती है, और इससे प्रभावित होके कैसे जो यूरोपीय लोग हैं वो भारत व्यापार करने के लिए लालायित हो उठते हैं, इसको हमें देखना है। तो भूगोल में तो आप लोग पढ़ते ही होंगे कि जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। भारत के बारे में कहा जाता है, वैसे तो इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की जो जलवायु है ना वो थोड़ा सा गर्म प्रकार की जलवायु है। और इस नाते भारत में देखा जाए तो मसालों की खेती खास करके दक्षिण भारत में कुछ ज्यादा होती है, यानी बड़े पैमाने पर होती है। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं यहां पे। ये देखिए, ये आपको मुख्यतया दक्षिण भारत का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। ये दक्षिण भारत में मुख्यतया ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है मालाबार तट का क्षेत्र, और मालाबार तट के अलावा ये जो कोरोमंडल तट का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो पूर्वी तट है जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और ये जो पश्चिमी तट है इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो ये दोनों तट है, जो पश्चिमी है और पूर्वी तट, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मसालों की खेती होती है। मसालों की खेती में जैसे लौंग इलायची हो गया, जैसे काली मिर्च हो गया, वह अन्य प्रकार के मसालों की खेती होती है, और इन इन मसालों की जरूरत किसको है? इन मसालों की जरूरत है यूरोपियों को। यूरोपियों को क्यों जरूरत है? क्योंकि यूरोपियों को इसलिए जरूरत है क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार की है? वो शीत प्रकार की है, ठंडी प्रकार की वहां की जलवायु है, और हमारी गर्म प्रकार की जलवायु है। और इस नाते हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल मसालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है जिनकी आवश्यकता यूरोपियों को है। हमारे यहाँ कुछ अन्य वस्तुओं की खेती होती है, अन्य वस्तुओं के अलावा कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो भारत में ही मिलता है या भारत में ही अत्यंत प्रसिद्ध है। जैसे सूती वस्त्र के भारत में बहुत सारे कारखाने स्थापित हो चुके हैं, और सूती वस्त्र का जो कारखाने की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में जो बंगाल का मलमल था वो अत्यंत विख्यात था। मैं आज भी आपको बता दूं कि पश्चिमी बंगाल के कुछ कपड़े आपको वर्तमान में भी इस तरीके के मिलेंगे जो भारत में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और वास्तव में उनको पहनने से ऐसा लगता है कि इसकी बनावट ही बिल्कुल अलग प्रकार की है। और खास करके उन कपड़ों को यह ध्यान रखते हुए बनाया जाता था कि जो खास करके शीत प्रदेश हैं या गर्म प्रदेश हैं उनके लिए वास्तव में उपयोगी हो। तो बड़े पैमाने पर हम लोगों के यहां मसालों की खेती होती थी, और यूरोपीय लोगों को इन मसालों की जरूरत होती थी क्योंकि उन क्षेत्रों में मसालों की खेती नहीं होती थी। अब बात है कि इन मसालों का वो लोग करते क्या थे। तो जो यूरोपीय क्षेत्र है, यूरोपीय लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं कि ठंडी जलवायु है, ठंडी ठंडी जलवायु है।
तो ठंडी वाले प्रदेश में मुख्यतया यह देखने को मिलता है, जैसे अभी चले जाइए आप लोग अपने ही देश में पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां तो कुछ ज्यादा ही ठंडा मौसम होगा। जब वहां कुछ ज्यादा ही ठंडा मौसम होगा या कुछ ज्यादा ही ठंड होगी, तो निश्चित रूप में उन लोगों को जरूरत किसकी होगी? उन लोगों को जरूरत होगी कि वो किसका सेवन करें, वो कुछ मांस का सेवन करें या मदिरा का सेवन करें। और अगर मान लीजिए कि वो नॉन वेज का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से नॉन वेज तो तभी टेस्टी होगा जब उसमें अच्छा मसाला होगा, बिना मसाला के नॉन वेज बेकार है, और मसाला होता है भारत में। तो इन मसालों की प्राप्ति के लिए भी यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो कहां आती हैं, वो भारत आती हैं। इसको इस तरीके से आप लोग समझते रहिएगा। इसके अलावा भी कुछ कारण और हैं, इनको देखिए आप सभी लोग कि और क्या कारण है भाई। और क्या कारण है इसको हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है, इन कारणों को जरा गौर से देखिएगा आप सभी लोग, है ना। विदेशी यात्री, भारत की आर्थिक संपदा, इसको भी देख लीजिए, और विदेशी यात्रियों के विवरण, इन दोनों को एक में ही हम लोग देखेंगे, है ना। तो विदेशी यात्रियों का विवरण और विदेशी यात्रियों के विवरण के अलावा भारत की आर्थिक संपदा, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में जरा गौर कीजिए आप सभी लोग। विदेशी विदेशी यात्रियों का विवरण, इससे कैसे यूरोपीय कंपनियां प्रभावित हुई, यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो विदेशी यात्रियों का विवरण हम लोग देखेंगे। एक विदेशी यात्री आपको मिलेगा उत्वी, और दूसरा विदेशी यात्री आपको मिलेगा मार्को पोलो। कौन मिलेगा? मार्को पोलो, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक है मार्को पोलो और दूसरा है उत्वी। तो उत्वी का तो हो सकता है नाम आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन मार्को पोलो का नाम आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? मार्को पोलो का आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से नाम सुना होगा। तो लेकिन पहले उत्वी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उत्वी कौन है। तो देखो, उत्वी एक यात्री भी है, और उत्वी के बारे में कहा जाता है कि उत्वी इतिहासकार भी है, और इतिहासकार के बारे में कल हमने बताया था आपको एनसीईआरटी की क्लास में। एनसीईआरटी की क्लास जो होगी वो कल होगी, है ना, और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी वो परसों होगी। दोनों क्लास ऐसे ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के बीच में निरंतर चलती रहेगी लगातार, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो उत्वी के बारे में कहा जाता है कि उत्वी निश्चित रूप से विदेशी यात्री है और इतिहासकार भी है। तो बात यह है कि इतिहासकार है तो निश्चित रूप से किसी न किसी के दरबार में रह रहा होगा। तो हाँ, निश्चित रूप से किसी न किसी के दरबार में यह रह रहा था। तो ये किसके दरबार में रह रहा था? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एक तुर्की आक्रांता का, जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुर्की आक्रांता है, ध्यान रखिएगा, अरबी आक्रांता नहीं है, क्योंकि अरबी जो आक्रांता है वो मोहम्मद बिन कासिम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा इस बात को। तो जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी के बारे में ही आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, जिनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट साहब ने महमूद गजनवी के भारत के ऊपर किए गए 17 आक्रमणों का ब्यौरा दिया हुआ है, और 1000 से 1026-27 तक भारत के ऊपर इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी शासक था, साम्राज्यवादी था, लेकिन सांस्कृतिक उत्थान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ध्यान रखता था। तो इसने अपने दरबार में कई इतिहासकारों को रखा था, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसी के दरबार में अल बरूनी भी रहता था, जो मध्यकालीन विश्व का कहा जाता है कि बहुत बड़ा इतिहासकार था, मध्यकालीन विश्व की बात कर रहा हूं, और इसी के दरबार में उत्वी रहता था। तो ये जो उत्वी है, इस उत्वी ने एक पुस्तक लिखी थी, और इस उत्वी की पुस्तक का नाम क्या है? इस उत्वी की पुस्तक का नाम है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी इसकी पुस्तक का नाम है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग किताबुल यामिनी भी बोलते हैं। इसे ही हम लोग किताबुल यामिनी भी बोलते हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी। तो ये जो किताबुल यामिनी नामक पुस्तक है, ये उत्वी की है, और उत्वी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है, और भारत भी आया था ये। तो उत्वी के बारे में कहा जाता है कि अपनी इसी पुस्तक में भारत की आर्थिक संपदा के बारे में इसने सर्वप्रथम ब्यौरा दिया है,
और इसी उत्वी ने सर्वप्रथम भारत को अपनी इसी पुस्तक में सोने की चिड़िया कहा है। क्या कहा है? अपनी इसी पुस्तक में सोने की चिड़िया कहा है भारत को इसी उत्वी ने। तो वो पहला इतिहासकार आपके सामने है, प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में आएगा तो कैसे आएगा, वो पहला विदेशी इतिहासकार कौन है जिसने भारत के बारे में अपनी पुस्तक में सोने की चिड़िया शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो ये जो विवरण है ना, ये ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग बातों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कोई बात बोल देते हैं तो उसको माना जाता है। ये तो एक ऐतिहासिक विवरण हुआ। ऐतिहासिक विवरण इस परिप्रेक्ष्य में हुआ क्योंकि ये किसी साहित्य में यह बात लिखता है ना। जब साहित्य में यह बात लिखता है तो कालांतर में इस साहित्य को जब अन्य देश के लोग पढ़ते हैं या बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये जानते हैं कि भारत की जो आर्थिक संपदा है वह अत्यंत मजबूत स्थिति में है। यानी भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और सोने की चिड़िया सबसे पहले इसी उत्वी ने कहा। तो इससे यूरोपीय लोग प्रभावित तो हुए, लेकिन यूरोपीय लोग ये जो उत्वी का विवरण है इससे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए क्योंकि यूरोपीय जनमानस जो था वो इन मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता था। यानी बहुत ज्यादा उनके लिए भरोसेमंद विवरण नहीं था क्योंकि ये उनके महाद्वीप के किसी नागरिक का भी विवरण नहीं था। तो ये मध्य एशियाई नागरिक है और तुर्की इतिहासकार है, तो इसके विवरण पर यूरोपीय लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस विवरण की प्रमुखता को स्वीकार किया, ऐतिहासिकता को स्वीकार किया और इंप्रेस हुए इससे प्रभावित हुए। लेकिन ये जो मार्को पोलो है, इस मार्को पोलो के बारे में कहा गया कि ये तो यूरोपीय महाद्वीप के इटली का ही वासी है, इटली का ही निवासी है। और मार्को पोलो के बारे में कहा जाता है कि मार्को पोलो कोई सामान्य विदेशी यात्री नहीं है। जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो कोई सामान्य विदेशी यात्री नहीं है। मार्को पोलो जब विश्व के भ्रमण पर निकलता है तो विश्व में इस समय जो सबसे प्रसिद्ध शासक है, खास करके मैं 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, यानी मध्यकालीन विश्व की बात कर रहा हूं, तो जो मध्यकालीन विश्व में जो 13वीं शताब्दी है इसी समय मार्को पोलो हुआ था। और मार्को पोलो ने भारत की भी यात्रा की थी, मार्को पोलो ने इस समय चाइना की भी यात्रा की थी। और चाइना में इस समय माना गया कि चाइना का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम था कुबलई खान, उस कुबलई खान से भी इस मार्को पोलो ने मुलाकात की थी। और जब चाइना के शासक कुबलई खान से मुलाकात कर ली तो भारत की भी यात्रा पर ही है आया। जब भारत की यात्रा पर यह मार्को पोलो आया तो इस मार्को पोलो के बारे में कहा गया कि ये जो आपको भारत दिखाई पड़ रहा है, यहां पे गौर कीजिएगा, ये जो भारत आपको दक्षिण भारत मुख्यतया दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण भारत में ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट का मतलब भारत का पूर्वी तट, ये कोरोमंडल तट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी कोरोमंडल तट पे यहां पे एक राज्य मिलेगा, इस राज्य को आप लोग किसके नाम से जानते हैं, पांड्य राज्य के नाम से जानते हैं। और ये पांड्य राज किसका समकालीन है, पांड्य राज के बारे में कहा जाता है कि ये मध्यकालीन राज्य है, क्षेत्रीय राज्य है। और ये अलाउद्दीन का मुख्यतया समकालीन है, ये जो राज्य है और यहां के शासक जो है वो अलाउद्दीन के समकालीन है। और अलाउद्दीन का समय काल भी शुरू हो जाता है कब से, आप सभी लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन का समय काल 1296 ईस्वी से शुरू हो जाता है और 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन का समय काल है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक है और सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सबसे महत्वाकांक्षी शासक है। तो इसी के समय काल में भारत आता है मार्को पोलो चाइना से होता हुआ, और मार्को पोलो इटली का यात्री है। लेकिन ये जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो आता है भारत, लेकिन भारत में इसका कहीं बहुत ज्यादा मन लगता नहीं, तो ये पहुंचता है कहां पर, इस पांड्य राज्य के क्षेत्र में पहुंचता है। और पांड्य राज्य में इस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, और उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच में चल रहा है, पांड्य राज्य के भाइयों के बीच में चल रहा है। तो ये जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य में दो भाई हैं, एक का नाम है वीर पांडे और दूसरे का नाम है सुंदर पांडे। ये दो भाई हैं और इन्हीं दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। तो इसमें फिर भी जो शासक है वो कौन शासक है, ये वीर पांडे बना हुआ है, वीर पांडे वास्तव में वीर भी है।
तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीर पांड्य ही वीर है और यह पांड्य राज्य का शासक है, और इसका जो भाई सुंदर पांड्य है, ये सुंदर है लेकिन उतना योग्य नहीं है, फिर भी अपने भाई से दावा करता है कि इस पांड्य राज्य का क्या कर दीजिए, विभाजन कर दीजिए, और पांड्य राज की जो राजधानी है मदुरई उसमें हमें कुछ हिस्सा दे दीजिए। लेकिन वीर पांड्य इस बात को स्वीकार नहीं करता है। फिर भी यह जो मार्को पोलो आ रहा है, मार्को पोलो ने इस पांड्य राज का व्यापक भ्रमण किया, और इस पांड्य राज का व्यापक भ्रमण करने के बाद में इसने भारत के कई अन्य क्षेत्रों का भी भ्रमण किया, लेकिन उतना व्यापक पैमाने पर भ्रमण नहीं किया। तो इसका मतलब है जब पांड्य राज का इसने भ्रमण किया तो पांड्य राज्य तो मुख्यतया ये देखिए दक्षिण भारत में ही तो स्थित है, और दक्षिण भारत में कई नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी आपको मिलेगी, कृष्णा नदी आपको मिलेगी, पेन्नार नदी आपको मिलेगी, और ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। जब कोई भी अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है तो निश्चित रूप से जब भारत जो सबसे ज्यादा आज भी प्रसिद्ध है वह अपनी आर्थिक स्थिति में कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? कृषि प्रधान देश के नाम से जाना गया। इसीलिए भारत सरकार भी कृषि के उत्थान के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की केंद्रीय योजनाएं और राज्य स्तरीय योजनाएं लाती रहती है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पर जब ये भ्रमण करेगा तो निश्चित रूप से यहां पर जो क्षेत्र मिलेगा आपको अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा, और उपजाऊ क्षेत्र में अधिशेष होगा, और जब अधिशेष होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। और यहीं पर आप लोग ये भी जानिए कि प्राचीन भारत से सिंधु सभ्यता के समय काल से यहां पे सोने की खाने इस कर्नाटक में मौजूद है। कर्नाटक में सिंधु सभ्यता में जो आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, कोलार जिला, और कोलार में ही तो हट्टी की खान थी ना, हट्टी की माइंस थी, और कोलार में ही तो आपको हीरे की खाने भी मिलती हैं, जो काल गुरली है, कूल गुरली है, ये सब कहां मिलेंगे, ये सब कर्नाटक में ही तो आपको मिलेंगी। तो ये जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो ने अपनी एक यात्रा विवरण लिखा, यात्रा संस्मरण लिखा, भारत की यात्रा का संस्मरण लिखा, और भारत की यात्रा के द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो इसने लिखा। तो ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो ने, मार्को पोलो में इस मार्को पोलो नामक विदेशी यात्री ने भारत की आर्थिक संपदा का वर्णन किया और स्वीकार किया कि भारत सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो इटालियन विदेशी यात्री है मार्को पोलो, अब इसके विवरण से जो यूरोपीय लोग हैं वो प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे? उनको लगेगा कि ये हमारे देश का वासी है, हमारे देश का निवासी है, और मध्यकालीन विश्व का सबसे प्रसिद्ध यात्री है। इसीलिए इस मार्को पोलो को मध्यकालीन विश्व की यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो मार्को पोलो है मध्यकालीन विश्व की यात्रियों का राजकुमार है, कोई सामान्य यात्री नहीं है। तो इसके विवरण को क्या समझा? इसके विवरण को योग्य समझा, और इसी को आधार मानकर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक दो कारण और बचे हुए हैं, इनको देखिए गौर से आप सभी लोग। मुझे लगता है कि बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें भारत की आर्थिक संपदा के बारे में देख लिया, और विदेशी यात्रियों के विवरण को एक साथ में आप लोगों ने देख लिया, कुस्तुंतुनिया को देखा था, यूरोप की वाणिज्यवादी नीति इसको देखिए, यूरोप की वाणिज्यवादी नीति, यूरोप में आई वाणिज्यवादी नीति, वाणिज्यवादी नीति। तो जरा गौर कीजिए, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यूरोपीय प्रदेश है, यूरोपीय प्रदेश में पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण जब आया तो यहां के लोग जागे। जब यहां के लोग जागे तो इन लोगों ने क्या किया, अपने यूरोपीय प्रदेश में छोटी छोटी कंपनियां स्थापित करनी शुरू कर दी, और इस समय पूरे यूरोप में यह चारों तरफ बोलबाला हो गया कि भाई देखो, जिसके पास आर्थिक संपदा है वही श्रेष्ठ है, और जिसके पास कोई भी आर्थिक संपदा नहीं है वो धीरे धीरे पूरे विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो इन लोगों ने समझा और सोचा कि ये जो आर्थिक संपदा है इसको एकत्र कैसे किया जा सकता है, या इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो इन लोगों ने देखा तो ये पाया कि यूरोप की या विश्व की आर्थिक जो संपदा है इसको ग्रहण इस तरीके से किया जा सकता है कि पहले अपने क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, और जब छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं तो इनके रूप को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप भी कालांतर में कोई कंपनी स्थापित करोगे, हो सकता है कोई कंपनी स्थापित करो तो हो सकता है दिल्ली में उसकी मेन ब्रांच हो, लेकिन दिल्ली में थोड़ा रुपया वगैरह आप लोग कमा लें तो धीरे धीरे कई अन्य क्षेत्रों में जैसे आगरा में भी एक कंपनी स्थापित कर लिया, एक ब्रांच स्थापित कर लिया। हो सकता है कि लखनऊ में भी दूसरी कोठी आप स्थापित कर लें, तीसरी हो सकता है विशाखापट्टनम में स्थापित कर लें, मद्रास में स्थापित कर लें, चेन्नई में स्थापित कर लें, हो सकता है कालांतर में विदेशों में भी आपकी कंपनी स्थापित हो जाए। तो इसी प्रकार से वाणिज्यवादी जो नीति है ये यूरोप में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई, और इस लोकप्रियता के पीछे का एक कारण सबसे बड़ा ये था कि यूरोप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था, उपयोगी बनाना था, और यहां पे यह प्रचलित था कि जो आर्थिक संपदा अपने पास में नहीं रखेगा यानी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा वो धीरे धीरे विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो ये जो वाणिज्यवादी नीति है इसके तहत एक बात और समझिएगा आप सभी लोग, इसके तहत इन लोगों ने सोचा कि सबसे ज्यादा क्या कमाया जाए, सबसे ज्यादा बुलियन कमाया जाए। क्या कमाया जाए? बुलियन। और बुलियन को कमाने का माध्यम क्या है? उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। क्या स्थापित किए जाएं? उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। और बुलियन का तात्पर्य किससे है? बुलियन का तात्पर्य यहां पर किससे है? सोना से है। और बुलियन का तात्पर्य यहां पर किससे है? चांदी से है, ध्यान रखिएगा, यानी गोल्ड और किससे है? सिल्वर से है। चांदी और सोना से है, यानी सोना चांदी से है। आप लोग तो आप लोगों के बीच में तो ये वर्ड बड़ा फेमस होगा ना, सोना चांदी। क्यों राकेश पांडे? राकेश पांडे आ गए आप, स्वागत है आपका। हाँ, इनको भी हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से बोल दीजिएगा भाई। क्यों संतोष? संतोष मतलब सोना। सोना चांदी। तो बुलियन का मतलब किससे है? बुलियन का मतलब सोना चांदी से है, ध्यान से समझिएगा। और ये जो सोना चांदी है ये बड़े पैमाने पर कहां उपलब्ध है? ये सोना चांदी बड़े पैमाने पर भारत में उपलब्ध है। जब भारत में उपलब्ध है और यूरोपीय जनमानस अपने क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे तो भारत का सोना चांदी कैसे प्राप्त करेंगे? भारत का सोना चांदी प्राप्त करेंगे तभी तो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, और जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी तो विश्व के मानचित्र में उनका स्थान होगा, नहीं तो गायब हो जाएंगे। तो जो वाणिज्यवादी नीति थी वो अत्यंत लोकप्रिय थी, और इसकी लोकप्रियता में सबसे जो केंद्र में था वो बुलियन था, और बुलियन को कमाना था। बुलियन को उद्योग धंधे स्थापित करके कमाया जा सकता है, और ये बुलियन कहां है? भारत में है। तो इसीलिए यूरोप में जितने भी यूरोपीय देश हैं, इन देशों में अगर देखा जाए तो खास करके जो इटली है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, इसके अलावा भी कुछ अन्य देश हैं जैसे डेनमार्क है, ये सब काफी आगे रहे। क्या रहे? ये सब काफी आगे रहे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इन लोगों ने अपने देशों में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करके भारत में भी ये व्यापार करने के लिए आते हैं, और व्यापार कमाने का केवल और केवल मकसद ये है कि व्यापार करेंगे तो धन कमाएंगे यानी सोना चांदी कमाएंगे, और सोना चांदी कमाएंगे तो विश्व यूरोप में ले जाएंगे, और यूरोप में इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी, तो यूरोप में इनका ताना बाना बना रहेगा। तो आप लोगों ने यहां पे कुल मिला के ये देखा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का एक नहीं बल्कि कई कारण था। इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत आती हैं और भारत में व्यापार करके धनार्जित करती हैं, यानी व्यापारिक लाभ को प्राप्त करती हैं। अब देखो दूसरी बात ये आती है कि आखिर ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इन यूरोपीय कंपनियों में किन किन देशों की कंपनियां भारत आई और कब आई? सबसे पहले हम लोग इस बात को देख लेते हैं, और इन कंपनियों का नाम क्या है। तो थोड़ा सा ये जो मामला है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। जरा गौर से इस मानचित्र को देखिए, मानचित्र का मतलब रेखा चित्र को देखिए एक बार। यहां पे लिखा गया है कंपनी का मूल नाम,
यहां पे एक शब्द लिखा गया है, जरा गौर से देखिए आप सब लोग ध्यान से, यहां पे लिखा गया है कंपनी का मूल नाम। देखो ये जो कंपनी का मूल नाम है आपके यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, यही अब याद करने वाली बात है, यही थोड़ा सा फैक्चुअल बात है। और किस देश से कंपनी आई, तो देश का नाम यहां पे लिखा हुआ है, और कंपनी जब आई तो इसकी स्थापना का टाइम क्या है, और भारत जब आई तो भारत में अपनी फैक्ट्री कहां पे लगाती है, कोठी कहां पे लगाती है, यानी व्यापारिक कारखाना कहां पे सबसे पहले लगाती है, और व्यापारिक कारखाने को स्थापित करने का समय क्या है, ये यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इसमें कई कंपनियां भारत आई, जैसे सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत आती है वो तो पुर्तगाली है, और पुर्तगाली कंपनी जब भारत आती है तो आप लोग जानते ही हैं कि पुर्तगाल की है, लेकिन उसका नाम क्या है, यही तो पूछा जाता है आप लोगों के बीच में, और इसी को आपको ध्यान देना है। तो जरा देखिए यहां पे लिखा हुआ है एस्तादो दा इंडिया, एक शब्द लिखा हुआ है एस्तादो दा इंडिया। अब ये जो पुर्तगाली कंपनी है, इस पुर्तगाली कंपनी का ये क्या है, ये मूल नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पुर्तगाली कंपनी भी लिखा हुआ है, यानी यूरोपीय महाद्वीप का एक प्रसिद्ध देश है पुर्तगाल, जो अगर देखोगे आप सभी लोग तो यूरोपीय महाद्वीप के नक्शे में आपको मिलेगा पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में, और इसी इसी क्षेत्र से एक कंपनी भारत में व्यापार करने आती है, और इस कंपनी का नाम है एस्तादो दा इंडिया। अब ये कंपनी कहां की है, आप सभी लोग जान गए कि पुर्तगाल की है, और इस कंपनी की स्थापना कब होती है, इस कंपनी की स्थापना 1498 यानी 1498 ईस्वी में होती है। अब अभी हम यहां पे ये नहीं देख रहे हैं कि जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा है वो कैसे आया, यहां पे मूल रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, फिर इसके बाद में हम लोग एक एक कंपनियों का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो पुर्तगाली कंपनी है ये जब भारत आई तो भारत में यहां पे आपको ये क्षेत्र जो मिलेगा केरल में, इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे कोचीन के नाम से जानते हैं, और इसी कोचीन में इस पुर्तगाली कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देखो इस कारखाने को भारतीय इतिहास में कई नाम से जानते हैं, इसे कारखाना भी कहा जाता है, इसे गोदाम यानी वेयर हाउस भी कहा जाता है, इसे कोठी भी कहा जाता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये कोठी इन पुर्तगालियों ने कब स्थापित कर ली, ये देखो 1503 में स्थापित कर ली, 1503 में स्थापित कर ली, यानी इस समय जब भारत में पुर्तगाली कोठी स्थापित हो रही, तो भारत में अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसका शासन है, तो क्या बताओगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे भाई पंकज, क्या उत्तर बताओगे, राधिका बाबू क्या बताओगे आप लोग, जरा बोलिए क्या बताएंगे, अगर पूछ ले कि 1503 में भारत में किसका शासन है तो क्या बताओगे, जहांगीर, ओहो अभी जहांगीर आ गया, जहांगीर बहुत याद है आप लोगों को, क्या बात है भाई, जल्दी से बताओ नहीं तो आप लोगों का नाम जहांगीर रख दिया जाएगा, फिर जल्दी से बताओ संतोष, इस समय भारत में शासक कौन है, शोनम तुम भी बताओ भारत में शासक कौन है, या भारत में किस वंश का शासन है, इतना ही बता दो। तो अगर भारत की इस समय बात की जाए तो भारत में इस समय लोदी वंश का शासन है, किसका शासन है, लोदी वंश का शासन है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की, और लोदी जो है वो अफगानी लोग हैं, यानी अफगानों की यह सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। तो इसमें जो लोदी वंश शुरू होता है वो बहलोल लोदी द्वारा शुरू होता है, और जो दूसरा शासक है उसका नाम है सिकंदर लोदी, तो शासन किसका है, सिकंदर लोदी का, नहीं समझ रहे हो आप सभी लोग, गड़बड़ा जाएगा मामला, ध्यान रखना अभी आप लोग। तो एक तो पहली बात यह है कि इस समय लोदी वंश की सत्ता है, और लोदी वंश का दूसरा शासक है जिसका नाम है सिकंदर लोदी, और इतना तो जानते रहिए आप सभी लोग कि
अभी देखो भारत की एक नवीन राजधानी स्थापित होगी, नवीन राजधानी स्थापित जो करेगा उसका नाम है सिकंदर लोधी, और नवीन राजधानी राजधानी के रूप में आती है हमारे सामने 1505 में, यानी 1505 में आती है, और इसका नाम क्या है, आगरा, जहां पे ताजमहल स्थित है ना। और जहांगीर तो 100 साल बाद आता है भाई, उसको कैसे आप लोग, जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, तब जहांगीर आता है, और जहांगीर का समय काल है 1605 से 1627-28 का, उसका समय काल है ना, उसके बाद में शाहजहां, तो 100 साल पहले की बात आप लोग बता रहे हो, कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए हमारी क्लास में चाहे वो पुराने छात्र हो उनका भी ख्याल रखा जाता है, जो नए छात्र हैं उनका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है कि भाई अगर मान लो नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो जो भी चीजें लिंक हो रही हैं उसको आपकी क्लास में यहाँ पे पूरा बताया जाएगा, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये 1503 में भारत में एक कोठी स्थापित हो गई, एक कारखाना स्थापित हो गया पुर्तगालियों के द्वारा, एस्टाडो द इंडिया नामक कंपनी के द्वारा, और ये केरल के कोचीन में स्थापित हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया वो किस तट पर स्थापित किया। मान लो तट में आपको कोला मालाबार तट दे दे, कोरोमंडल तट दे दे, उत्तरी सरकार तट दे दे, तो फिर क्या बताओगे इसमें आप सभी लोग। तो ये कौन सा तट है, ये पश्चिमी तट है ना, और पश्चिमी तट में ये मालाबार तट है, और मालाबार जिला भी है, मालाबार केरल का एक जिला भी है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और मुख्यतया इसका जो विकास देखा जाता है इस तट का, मालाबार तट का, वो केरल राज्य में ही देखा जाता है। और इसके ऊपर आप जाओगे तो गोवा में और महाराष्ट्र में और भी अन्य प्रकार के तट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस मालाबार तट पे पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी इस कोचीन में स्थापित की थी। और दूसरी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, दूसरी कंपनी यहां पे आपके सामने है, और यह है ईस्ट इंडीज कंपनी, जिसको शॉर्टकट में आप लोग बोलते हैं। और इस कंपनी का मूल नाम कई बार आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम और अन्य नामों के बारे में मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे इसका जो नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम यहां पे लिखा हुआ है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम है। अब बात है कि ये कंपनी कहां की है, ये कंपनी इंग्लैंड की है। स्थापित कब हो रही है ये कंपनी, 1599 ईस्वी में स्थापित हो रही है। लेकिन इस कंपनी को आधिकारिक मान्यता कब मिलती है, 1600 ईस्वी में मिलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1500 सितंबर 1599 ईस्वी में स्थापित हुई, और दिसंबर 1600 ईस्वी में इस कंपनी को आधिकारिक मान्यता मिल गई, इंग्लैंड की सरकार ने इसको मान्यता दे दी। अब इसकी जो कोठी भारत में पहली स्थापित होती है वो कहां पर स्थापित होती है, सूरत में स्थापित होती है। लेकिन सूरत में ये जो कारखाना स्थापित होता है, इसमें जो विवाद का मामला है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ये जानते रहिएगा कि सूरत में ही ये कोठी स्थापित होती है, ना कि मसूलीपट्टनम में, है ना, अभी इतना समझते रहिएगा बस। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विकास में आएंगे तो इसके मामले को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तीसरी कंपनी आपके सामने है, बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। अब ये जो बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी है, ये है कहां की कंपनी है, ये नीदरलैंड की कंपनी है, और नीदरलैंड का मतलब किससे है, हॉलैंड से है, किससे है, हॉलैंड से है, और इस कंपनी को हम लोग भारतीय इतिहास में डच कंपनी के नाम से जानते हैं, विद्या रखिएगा। जो तीसरी कंपनी है ये डचों की कंपनी है, और डच जो कंपनी है ये कहां की है, ये यूरोप के नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी है, और इसका मूल नाम क्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, और ये नीदरलैंड या हॉलैंड की है, इसे डच कंपनी के नाम से जाना गया। 1602 ईस्वी में यह कंपनी स्थापित होती है हॉलैंड में, लेकिन भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी। और मसूलीपट्टनम का मतलब किससे, मसूलीपट्टनम का मतलब कोरोमंडल तट से है, है ना, यानी भारत के पूर्वी तट से है। तो पूर्वी तट पे 1605 में ये अपना कारखाना स्थापित करते हैं। अब जरा गौर से देखो, यहां पे एक टेक्निकल बातें मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निकल क्या है मामला, जैसे आप लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1599 में ही हो गई, लेकिन ये जो डच कंपनी है इसकी स्थापना ये देखो 1602 ईस्वी में हुई, और इसकी स्थापना पहले ही हो गई। तो
तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई थी और डच कंपनी की स्थापना देखिए बाद में हुई थी। लेकिन भारत में किसकी पहले कोठी स्थापित हुई, तो ये देखो अंग्रेजों की कोठी ये बाद में स्थापित हुई, जबकि डचों की कोठी भारत में पहले स्थापित हो गई। ये क्रम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं, जो पढ़ते समय आप लोग ध्यान नहीं देते, जैसे किताबों को पढ़ने में यही होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको यूपीएससी फंसाएगा कैसे, ये हमें ध्यान नहीं रहता। इसीलिए इन इन क्लासों का फायदा यही होता है या कोचिंग का फायदा यही होता है। तो यहां पे ये कंपनी भारत में पहले स्थापित अपना कारखाना कर रही है डच कंपनी, और ये बाद में स्थापित कर रही है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में डेनिश कंपनी आपके सामने है, इसका नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेन क्षेत्र की है, डेन मतलब स्वीडन की है, डेन का मतलब कहां की है, डेनिश कंपनी स्वीडन की है ना, और स्वीडन आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। और इसने अपना इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, और भारत में इसने अपना पहला कारखाना 1620 में ट्रांकुवार में स्थापित किया। और ट्रांकुवार कहां है अगर ये पूछे आपसे तो क्या बताओगे? ट्रांकुवार भारत के पूर्वी तट पर है या पश्चिमी? ये जो भारत का पूर्वी तट है इस पर स्थित है ट्रांकुवार या पश्चिमी तट पर स्थित है, क्या बताओगे? बोला भैया लोग। बोलिए, हाँ पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? पूर्वी तट पर स्थित है, और पूर्वी तट में किसके पास में स्थित है? मद्रास, आधुनिक चेन्नई के पास में स्थित है ट्रांकुवार। और कालांतर में इन डेन लोगों ने डेन ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो डेनिश लिखा हुआ है ना, ये डेन जो है ये डेनमार्क है, चूंकि स्वीडन की कंपनी बाद में, अभी ये सबसे नीचे यहां पर है वो मैं आपको बताऊंगा, तो स्वीडन वाले तो बहुत ज्यादा आए ही नहीं है, कंपनी की स्थापना कर दी और भारत में आए और घूम टहल के चले गए। तो ये जो कंपनी है ये डेनिश कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कहां की है? ये डेनमार्क की है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये स्वीडन की नहीं, ये डेनमार्क की है। डेनमार्क की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसे कोपेनहेगन के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रांकुवार में अपना कारखाना स्थापित करती है और 1620 में स्थापित करती है। लेकिन ये जो कारखाना स्थापित करती है इसका बहुत ज्यादा मन भारत के व्यापार में लगता नहीं, लेकिन ये कई बार पूछा गया है कि इसका कारखाना भारत में कहां स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ। तो जब भारत से यह कंपनी चली जाती है तो आखिर अपना कारखाना किसको सौंपती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप के चली जाती है। इसके बाद में अगली कंपनी आपके सामने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है द इंडस ओरिएंटल्स, इसका नाम है। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है? द इंडस ओरिएंटल्स, इस कंपनी का नाम है। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना है देखो 1664 में होती है। जब 1664 में इस कंपनी की स्थापना होती है तो इस समय फ्रांस में अगर देखा जाए तो बड़ा ही कहा जाता है कि बड़ा ही महत्वाकांक्षी सम्राट है, उसका नाम है लुई चौदहवां। और जो लुई चौदहवां है इसके बारे में कहा जाता है कि इसी ने सबसे पहले पूरे विश्व में राज्य का कंसेप्ट दिया था। और जब मैं आपको विश्व का इतिहास पढ़ाता हूँ, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन पढ़ाता हूँ, नेपोलियन का युग पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपको बताता हूँ ये सारी बातें। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसी ने सबसे पहले कहा था कि मैं ही राज्य, यही जो लुई चौदहवां नामक शासक थे इसी ने सबसे पहले यह बात कही थी, और यहीं से फिर राज्य का कंसेप्ट आ गया, फिर राज्य और राष्ट्र की अवधारणा आ गई है ना। और इसी के समय में एक मंत्री है फ्रांस का जिसका नाम है कोलबर्ट, वो आर्थिक मंत्री है, आर्थिक मंत्री मतलब राजस्व या वित्त मंत्री है। और इसी के प्रयासों से एक कंपनी स्थापित हुई थी और इसी का नाम था द इंडस ओरिएंटल, 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। अब ये 1664 ईस्वी में ये कंपनी जो स्थापित हुई ये तो फ्रांस में स्थापित हो गई, यानी फ्रांसीसी सरकार ने इस कंपनी को स्थापित किया। और भारत में ये आती है और भारत में आकर ये सूरत में अपना कारखाना स्थापित करती है, और कब स्थापित करती है? ये देखिए 1668 में। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा,
अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी दो यूरोपीय कंपनियां हैं जो सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में ही स्थापित कर दी, और इसमें नाम दिया जाएगा, कूट के रूप में नाम दे दिया जाएगा, और इतना कठिन बन जाएगा कि बताना उत्तर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दो कंपनियां जो सूरत में ही सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित करती हैं, इसमें एक कंपनी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी कंपनी फ्रांस की है जिसका नाम है इंडस ओरिएंटल्स। और पहली कंपनी जो इंग्लैंड की है वो 1608 में अपना कारखाना स्थापित करती है, और दूसरी कंपनी जो फ्रांस की है वो 1668 में, यानी बहुत अंतर है अगर समय की बात को देखा जाए, वो सूरत में अपना कारखाना स्थापित करती है। तो फ्रांसीसी और इंग्लैंड के लोग सबसे पहले अपना कारखाना भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित करते हैं, और पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थापित करते हैं, और गुजरात में सूरत में स्थापित करते हैं। कहां पे स्थापित करते हैं? सूरत में। एक और कंपनी भारत आई थी जिसका नाम था स्वीडिश कंपनी। क्या नाम है? स्वीडिश कंपनी। ये कंपनी आई और इसकी स्थापना हुई 1721 ईस्वी में, लेकिन भारत में इसका बहुत ज्यादा व्यापार में मन लगा नहीं। तो भारत में ये आई तो, और भारत में आकर इसने कोई कारखाना भी विशेष रूप से स्थापित नहीं किया। हालांकि इसने भी भुज के क्षेत्र का, बड़ौदा के क्षेत्र का, गुजरात के सूरत के क्षेत्र का, आगरा के क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन ये लोग चले गए, इनका भारतीय व्यापार में बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। ये लोग ही स्वीडिश लोग हैं और स्वीडन के हैं, है ना, और स्वीडन ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। तो यहां पे अब एक बात मैं आपको और बताता हूं। जैसे यहां पे देखिए कि मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम, तो बता दोगे इसको आप सभी लोग? और एक दूसरा प्रश्न भी आप सभी लोगों से पूछ रहे हैं यहां पे, यूरोपीय कंपनियों के भारत में भारत में कारखाने को स्थापित करने का क्रम, दो बातें आप लोग बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि आप सभी लोग पढ़ लिए। स्थापित करने का क्रम ये क्या होगा भाई? यही दो पूछा जाता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम में, ये सब आपसे बार बार पूछा गया है और बड़ा कठिन प्रश्न बनता है। इसको कौन बताएगा? कौन है भाई? बलशाली, अजय तिवारी आप बताएंगे, अभिजीत बताएंगे, थोड़ा लेट आए हुए हैं क्लास में। कौन बताएगा? देवव्रत। बोला भैया राजीव। देखो जो कंपनियों की स्थापना का क्रम है, पहले आप लोग समझ लीजिए, स्थापना का मतलब विदेशों में इनकी जो स्थापना हुई उसकी तिथि से संबंधित जो क्रम है वो आपको बताना है, और कारखाने की स्थापना का मतलब भारत में इन लोगों ने जो कारखाना स्थापित किया उसका क्रम आपको बताता है। तो बताइए आप सभी लोग। तो देखो इसमें तो सबसे पहली जो कंपनी है जो भारत आई उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। या सबसे पहले जो कंपनी स्थापित होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। लेकिन स्थापना में जो दूसरा क्रम आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम ए है। ए का मतलब अंग्रेजों से है, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। स्थापना की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, क्योंकि डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी सितंबर में हो जाती है। तो स्थापना में पहले डच कंपनी आई और उसके बाद में कौन कंपनी आई? इंग्लिश कंपनी आई, यानी अंग्रेज आए। ए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, या ई आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश कंपनी यहां पर आ गई। कौन सी कंपनी आ गई? इंग्लिश कंपनी आ गई। इसके अलावा अब तीसरी कंपनी जो स्थापित होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डच। डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी होते हैं। जैसे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि 1498 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई?
1599 ईस्वी में, डच कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में हुई। ठीक, इसके बाद में अब और आगे कौन सी कंपनी आई, तो आगे अगर आप लोग देखेंगे तो जो अगली कंपनी आई है वो फ्रांसीसी कंपनी है मुख्य कंपनी के रूप में। तो इसका मुख्य रूप से जो कोड बनता है इसको इस तरीके से देख लीजिए, PADF कोड बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे PDF आप लोग मांगते रहते हैं ना, तो वैसे ये आपको याद हो जाएगा। यहां पे P का मतलब पुर्तगाली कंपनी से, A का मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, डच, D का मतलब डच कंपनी से, और F का मतलब फ्रांसीसी कंपनी से, इनकी स्थापना पहले हुई। अब बात यह है कि इनके कारखाने भारत में जो स्थापित होते हैं इनका क्या क्रम है, इसको भी समझिए आप सभी लोग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में जो कारखाना स्थापित हुआ वो किसका स्थापित हुआ, निश्चित रूप से वो पुर्तगालियों का स्थापित हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों का कारखाना भारत में 1503 ईस्वी में स्थापित हो गया। कब स्थापित हो गया भाई, रिंकी सोनी, कब स्थापित हो गया पुर्तगालियों का कारखाना, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का कारखाना स्थापित हो गया, इसका क्रम देखिए। लेकिन अब यहां पे जो ए है इसका क्रम थोड़ा सा बदल जाएगा, कारखाना स्थापित करने में ये जो डच हैं ये आगे निकल गए और अंग्रेज पीछे हो गए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे PADF है, यहां पे PDAF हो जाएगा। इसके बाद में अंग्रेज अपना कारखाना स्थापित करते हैं और फिर इसके बाद में फ्रांसीसी अपना कारखाना स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, डचों ने अपना कारखाना 1605 ईस्वी में, और इसके बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में, और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया था। इस क्रम को समझ जाइए आप सभी लोग, ये क्रम जल्दी से किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए आप सभी लोग, इस कॉन्सेप्ट को इतना आसान थोड़ा ना है कि ये हर जगह आपको ये पढ़ने को मिल जाए और लोग पढ़ा दें, ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, ये तथ्यात्मक है, और तथ्यात्मक और कंसेप्चुअल इतिहास वही पढ़ा सकता है जो मेहनत करता हो, है ना, इतना आसान थोड़ा ना है। और बिना हम लोग तथ्यात्मक इतिहास को समझे और पढ़े और कॉन्सेप्ट को बिना समझे और पढ़े कल्याण थोड़ा ना होता है ना। तो इतना आप लोगों ने देखा ना, दोनों क्रम समझिए आप सभी लोग, दोनों क्रम आप सभी लोग समझिए, और सेशन को खूब लाइक कर लीजिए आप सभी लोग, जितना लाइक करना हो उतना लाइक कर लीजिए, मतलब कोई रोका टोकी नहीं है लाइक करने में, है ना, कोई रोका टोकी नहीं है लाइक करने में। अजय मीना, अजय मीना, अच्छा स्वागत है आपका, हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन पूछे जो भी पूछना हो। अच्छा आप स्क्रीन, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखिए स्क्रीन का आप लोग मांग कर रहे हैं, स्क्रीन आपको मिल जाएगी। हाँ हाँ साइड हो गए, साइड हो गए, और नीचे सबसे स्वीडिश कंपनी लिखा हुआ है ना, नीचे जो सबसे है ये कौन सी कंपनी लिखा हुआ है, ये स्वीडिश कंपनी लिखा हुआ है, और ये देखिए 1731 लिखा हुआ है ना। अब आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट रूप से, स्वीडिश कंपनी 1731 लिखा हुआ है, अब देख लीजिए स्वीडिश कंपनी 1731, इसको भी देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से, पूरा नक्शा आपके सामने, पूरा नक्शा क्या है, पूरा नक्शा आपके सामने है। अजय मीना, हाँ भाई भाई बोलो, आपका कमेंट देखते हैं। अच्छा रिंकी सोनी आप नोट्स लिख रही हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आप नोट्स लिख रहे हो, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, है ना।
तो आज हम लोगों ने मुख्यतया क्या क्या पढ़ा इसको पहले समझिए आप सभी लोग। हम लोगों ने ये समझा कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत आती हैं तो क्यों आती हैं, और दूसरा जो मुख्य बिंदु रहा आज के अध्ययन का वो ये रहा कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आई तो इसमें से किन किन देशों की कौन कौन सी कंपनियां भारत आती हैं, और भारत आती हैं तो उन कंपनी का नाम क्या है, वो यूरोप में कब स्थापित होती हैं और भारत में उनका कारखाना कब स्थापित होता है, इसको हम लोगों ने देखा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली, कल हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ें या मॉडर्न हिस्ट्री को रेगुलर करें, बोलिए आप सभी लोग। एनसीईआरटी ही पढ़ना है या मॉडर्न हिस्ट्री को रेगुलर करना है? ऐसा करते हैं कि एक दिन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एक दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जरा बताइए आप सभी लोग, कमेंट करके नहीं चैट करके ही बताइए। अभी जाइए मत, अभी मिठाई खाने को भी मिलेगा ना क्लास में, है ना? क्या मिलेगा? मिठाई खाने को भी मिलेगा। क्यों विक्रम? एनसीईआरटी, ओके ओके एनसीईआरटी, हाँ ठीक है, एक एक दिन पे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और इधर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों अच्छा होगा, दोनों उपयोगी होगा, है ना? दोनों क्या होगा? दोनों उपयोगी होगा। अग्रिमा त्रिपाठी, मॉडर्न हिस्ट्री परसों पढ़ेंगे, कल हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक? आफ्ताब बताइए, आप जो बताइए वही किया जाएगा। आफ्ताब सिद्दीकी, एक एक दिन अनमोल का कहना है, ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा, एक दिन एनसीईआरटी रोशन का कहना है और एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा जाए, है ना? ओके ओके रतन, ओके ठीक है। तो कल हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और परसों मॉडर्न हिस्ट्री एक पुर्तगाली कंपनी को पढ़ेंगे, ठीक ठीक बा, चला जाए अब या अभी रुकेंगे आप सभी लोग? और थोड़ा कमेंट वमेंट खूब किया कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए थोड़ा, जिन लोगों ने क्या किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब तो देखो पढ़ने का समय आ गया, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, और नियमित रूप से क्लास भी आप लोगों के बीच में होगी, है ना? तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वो लोग भी सब्सक्राइब करें अपने ग्रुप्स वगैरह में, सेशन को भी लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, जितना मन करे उतना कमेंट कीजिए, आपका चैनल है, है ना? किसी और का तो है नहीं। हाँ, पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक कल आपको उपलब्ध करा दूंगा, वही जो पुराना चैनल है उसी पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए चिंता ना करें, कल आपको बताता हूं टेलीग्राम चैनल। और कुछ कहना है? अच्छा अच्छा, सबको अच्छा लगा ना? ओके, संस्कृति रिंकी, सोनम, अजय, खुशबू, है ना? मिलते हैं, सभी को शुभ रात्रि, सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक? प्रियंका मिश्रा, हाँ सभी को बाय बाय, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा ठंड में, है ना? मिलते हैं कल, तो कल भी 8 बजे ही आप लोगों के बीच में क्लास होगी। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना? अच्छा, कल बताएंगे रोशन बुक के बारे में, वैसे हमारी क्लास कर लेंगे तो बुक का कोई मतलब ही नहीं है, है ना? गुड नाइट खुशबू, प्रियंका आपको भी, रतन आपको भी, लव राजपूत, ओहो अच्छा पीडीएफ चाहिए आपको, पहचान गया मैं आपको, ठीक है ठीक है। ये देखो आफ्ताब बता रहे हैं उस चैनल का नाम, उसको ज्वाइन कर लो आप सभी लोग, टेलीग्राम चैनल। अंकित गंगवार,
सर हमारी संस्कृति और सभ्यता का क्लास। अच्छा, संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास होगी, है ना, उसकी भी क्लास होगी, किसी किसी दिन दो दो क्लास होगी, चिंता मत कीजिए। हाँ, कल एनसीईआरटी की क्लास होगी, चिंता नहीं करना है। हाँ, वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कितना पढ़ाए हैं, है ना। ओके ओके, बाय बाय सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अपना। ओके ओके, शुभ रात्रि सभी को।